सकते हैं, ना इनका सेकंड ऑर्डर। हमें यहाँ प्रूव करना है कि कॉस ए प्लस बी प्लस सी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस सी प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस सी प्लस कॉस माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग इसका एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो एलएचएस में देखिए क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस सी प्लस का कॉस ए माइनस बी प्लस सी प्लस का कॉस ए प्लस बी माइनस सी और प्लस का कॉस माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी, ये है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू में होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे टू कॉस ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का प्लस का प्लस का ए माइनस बी प्लस सी बाई में टू कॉस सी प्लस डी बाई टू हो गया, फिर इनटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा यहाँ माइनस देंगे तो ब्रैकेट में देते हैं ए माइनस बी प्लस सी और बाई में टू। चाहो तो यहाँ पे भी इनको अलग अलग ब्रैकेट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जोड़ेंगे। चलिए अब इनके लिए यहाँ पे चलते हैं। तो हो जाएगा आपका टू कॉस ए प्लस बी माइनस सी प्लस में माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई में आपका टू, ठीक है। और फिर इनटू में कॉस आ जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस सी और फिर माइनस 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 ए प्लस बी प्लस सी और बाई में यहाँ पर टू, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए इसके बाद देखते हैं। तो टू कॉस ब्रैकेट हटाते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी बाई में टू, यहाँ बी से बी आपका कट जाएगा, कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस का बी माइनस का सी बाई में टू। तो ए और सी यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का टू कॉस ए प्लस बी माइनस सी माइनस का ए प्लस का बी और प्लस का सी और बाई में आपका यहाँ टू। फिर यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस का सी माइनस में प्लस ए माइनस बी माइनस सी बाई में टू। चलिए अब इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है। तो आपका देखो ना यहाँ पे ए वाला कट जाएगा और यहाँ सी वाला टर्म कट जाएगा, इसमें आपका क्या कटेगा तो इसमें बी वाला टर्म कट जाएगा। चलिए तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे टू कॉस क्या हो जाएगा टू ए प्लस का टू सी बाई में टू, टू ए प्लस का टू सी बाई में टू। और फिर कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टू बी बाई में टू, टू बी बाई में टू प्लस में टू कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी बी टू बी बाई में टू, देख रहे ना टू बी बाई में टू। और फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा आपका टू ए माइनस का टू सी बाई में टू, कॉस टू ए और माइनस का यहाँ हो जाएगा टू सी बाई में टू। चलिए अब आगे देखते हैं, ऊपर टू कॉमन करेंगे टू कॉस टू कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस सी और बाई में टू, यहाँ कॉस टू बी बाई में टू प्लस में टू कॉस टू बी बाई में टू और यहाँ कॉस टू कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए माइनस सी बाई में टू, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ हो जाएगा आपका टू से टू कट जाएगा तो टू कॉस ए प्लस सी, ठीक है, अच्छा। और फिर यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा प्लस टू कॉस बी और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना कॉस टू इंटू में सी है तो टू से टू कट जाएगा यानी आ जाएगा कॉस ए माइनस का सी बाई में सॉरी ए माइनस का सी यही ना हो जाएगा जी। यहाँ हम लोग कॉमन कर लेते हैं टू कॉस बी को, टू कॉस बी को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस
ए प्लस सी और प्लस का कॉस ए माइनस का सी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर टू कॉस बी, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, टू कॉस ए कॉस बी का होता है कॉस ए प्लस बी और प्लस का कॉस ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक लो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा आपका टू टू कॉस ए कॉस सी। चलिए तो अब इसके बाद अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ आ जाएगा फोर कॉस ए इंटू में कॉस बी इंटू में कॉस सी, यही आपका आर एच एस में लाना था, हमने ला दिया, समझ गए।